इजरायली वायुसेना ने ताजा जानकारी में कहा है कि उसके फाइटर जेट ने गाजा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह करने का ये वीडियो इजरायली वायुसेना ने खुद जारी किया है, जरा देखिए। हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इसराइल ने गाजा पट्टी पर तूफानी हमला और तेज कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास के इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भयानक बमबारी की गई है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास की एक राजनीतिक और सैन्य इकाई काम कर रही थी, जिसे तबाह कर दिया गया है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इजराइल हमास को किस तरह से मटिया मेट कर रहा है। כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות, תוקפים, צהל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק. इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक टॉप कमांडर और हमास के राष्ट्रीय संबंध मंत्रालय के प्रमुख को मार डाला है। हमास के पहले कमांडर का नाम जकरिया अबू मेम्र है, जबकि मारे गए हमास के दूसरे टॉप कमांडर का नाम जवाद अबू शमाला है। इस बीच इजराइल ने हमास के मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद देईब के रिश्तेदारों के घर पर भी बमबारी की है। टाइम्स ऑफ इसराइल में छपी खबर के मुताबिक इन हमलों में हमास मिलिट्री कमांडर के भाई, भतीजे और पोती की जान गई है। इसके अलावा इसराइल ने हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर भी ध्वस्त कर दिए हैं। यहां तक कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी इसराइल के फाइटर जेट्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसराइल पूरे गाजा पट्टी को जमीन के नीचे दफन कर देना चाहता है और इसलिए हमास की सभी इमारतों को गिराते हुए 180 डिग्री जमीन पर गिराया जा रहा है। ولا إشبال لا شقة ولا ماء ولا محل كل هذا انتسف خلال أربع ساعات أو ست ساعات كانوا اليهود قاضيين علينا تقريبا كان يخبطوا كل صاروخ بينه وبين الثاني دقيقة أو 40 ثانية بادوا المنطقة ولا إشبال كنا محاصرين 30 شخص جوا العمارة جوا البدرون हमास को इसराइल के हमलों में भारी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीन के हजारों नागरिक घायल हुए हैं और मारे जा रहे हैं। इसराइल ने गाजा में ऐसा गदर मचाया है कि 21 लाख से ज्यादा आबादी वाले गाजा से लोग भागने लगे हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि इसराइल के रक्षा मंत्री स्पेशल फोर्स को खुली छूट दे रहे हैं और कह दिया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन हमास को हमेशा के लिए साफ कर दो। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कहा है कि हमने हमास के इलाकों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, अब हम हमास पर पूर्ण हमला करने जा रहे हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा, गाजा कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं आएगा जैसा वो था। गैलेंट ने इसराइली सैनिकों से कहा है कि आप गाजा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं और आप इसे बदल दीजिए। टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक रिपोर्ट में गैलेंट के हवाले से ये भी लिखा है कि गैलेंट ने कहा, हमास ने जो सोचा था हम वही करेंगे और सब कुछ 180 डिग्री बदल जाएगा। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि इसराइल के डिफेंस फोर्स जब हमास पर अंतिम हमला करने जा रहे हैं, इसीलिए अगले 24 से 48 घंटे गाजा पट्टी और हमास के लिए भयानक हो सकते हैं। इसराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में युद्ध कई महीनों तक चल सकता है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने सेना को आदेश दे दिया है, जहां भी हमास के चरमपंथी और मददगार मिले उन्हें तुरंत जान से मार दो। कुल मिलाकर पूरा गाजा खून के आंसू रो रहा है। अब देखना होगा हमास कब तक इसराइल से मुकाबला कर पाता है।